प्रदेश के 4 जिलों में पंचायती राज चुनाव, प्रदेश कांग्रेस ने बनाए पर्यवेक्षक, विधानसभावार नियुक्ति की पीसीसी चीफ डोटासरान। तो बड़ी खबर और अहम खबर इस वक्त आपके सामने। आपको बता दें कि प्रदेश के 4 जिलों में पंचायती राज चुनाव होने हैं, वैसे में प्रदेश कांग्रेस ने पर्यवेक्षक बनाए हैं। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से पर्यवेक्षक कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, उससे साफ तौर पर ये लग रहा है कि पूरी तैयारी, सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर कांग्रेस ने की है। पंचायत राज चुनाव, बीते पंचायत राज चुनाव में भी सत्ताधारी दल का परफॉर्मेंस अच्छा था, और इस बार के जो चुनाव हैं उनमें खासतौर से हमने आज बताया विधायक किस तरह से शांति धारीवाल का इलाका है, किस तरह से प्रमोद जैन भाया मंत्रियों की सागदाव है, रमेश मीणा का इलाका है, इन तमाम जो इलाके हैं उनमें कांग्रेस पार्टी ने, और नहरी क्षेत्र जहां पर किसान आंदोलन के कारण वहां पर केंद्र की सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए थे, और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने महंगाई और किसान आंदोलन को भी मुद्दा बनाया था। जी योगी जी, क्या नाम सामने आ गए हैं पर्यवेक्षकों के? हाँ जी, हर विधानसभा भार पर्यवेक्षक लगा दिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर्यवेक्षक लगाए हैं, और जो कांग्रेस के दूसरी पंक्ति के नेता हैं, तीसरी पंक्ति के नेता हैं, उनको पर्यवेक्षक लगाया गया है, जो उस जिले की समझ रखते हैं, जो राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जिनका उपयोग किया जा सके, जो पुराने अनुभवी हैं और जो शुद्ध कांग्रेस की राजनीति निकले हैं, प्रदेश कांग्रेस की राजनीति निकले हैं, उन लोगों को, तमाम लोगों को कांग्रेस पार्टी का बेहद अहम जिम्मेदारी। तो